टीम इंडिया को अगले साल जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 3-3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए अभी तक टीम का ऐलान नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या को T20 सीरीज में भारतीय टीम का कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा की अंगूठे की इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ऐसी खबर है कि खेल के सबसे छोटे प्रारूप में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद उप कप्तान केएल राहुल को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बाहर रहना पड़ सकता है। भारतीय टीम के चयन में देरी की वजह नई चयन समिति का गठन नहीं होना बताया जा रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि बीसीसीआई मंगलवार को T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेगी और हार्दिक पांड्या को T20 सीरीज में कप्तानी का जिम्मा मिल सकता है। श्रीलंकाई टीम की बात करें तो उसने इस साल एशिया कप में खिताबी जीत हासिल की थी। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।